गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कुछ जिम्मेदारियां भी सोने नहीं देती हैं रातों को। रात भर जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता जी। बिल्कुल, कुछ यही कारण है जो हम इतना रात में इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं। 12:45 हो चुका है रात्रि के। एक्सरसाइज 3.6 पार्ट नंबर 12 है आपका, ये लीनियर इक्वेशन का 12वां पार्ट है, जिसमें हम 3.6 तक लगभग पढ़ चुके हैं। केवल एक एक्सरसाइज बची है, बाकी ये लीनियर इक्वेशन खत्म हो चुका है। सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड या है केरल, कर्नाटक या फिर किसी भी राज्य से अगर आप हैं तो ये एनसीईआरटी पैटर्न सबके लिए है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखना। लिखा हुआ है, निम्न समीकरणों को के युग्म को रैखिक समीकरण में बदल करके और इनको हल कीजिए। देखिए, आपके अगर इंग्लिश मीडियम के बुक है तो उसमें इंग्लिश में लिखा होगा, बस इक्वेशन दोनों में सेम टू सेम होगा, मिला लो, है ना। इसमें अगर 1/2x है तो उसमें भी यही होगा। तो इसको साथियों कह रहा कि रैखिक समीकरण में बना लो, उसके बाद हल करके दिखाओ। तो चलो मैं बना लेता हूँ। इसके आगे स्टेप देखना, ये तो इक्वेशन दिया है, इसको हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे, है ना। ये तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा इस तरह से और आपको गड़बड़ हो जाएगा फिर। इसलिए आसान तरीका ये है साथियों कि जैसे एक बात समझो, 1/2x लिखा है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 × 1/x। बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ ना। मुसीबत यहाँ पर हमें इससे है जो बटे में है 1/x। तो चलो मैं मान लेता हूँ कि माना क्या 1/x की जगह पे कुछ भी मान लो, चाहे p मान लो, q मान लो, a मान लो, कुछ भी मान लो। तो अगर मैं इसको मान लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान देना, 1/x की जगह पर मैं p मान रहा हूँ, याद रखना। तो साथियों ये 1/2 × क्या हो जाएगा, p। समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो ना, 1/x की जगह पे मैंने p मान लिया, तो ये 1/x की जगह पे p हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। और फाइनल में मल्टीपल करोगे तो p/2 मिलेगा, क्या मिलेगा, p/2। तो इसी तरह से हम इसको आगे हल करेंगे। आप समझ गए होंगे कि 1/2x की जगह पे हम लिख सकते हैं, अभी ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं, एक सिस्टम से करेंगे तो लिख सकते हैं। तो मैं नीचे हल करता हूँ, अभी ध्यान देना, नीचे हल करता हूँ, वहाँ रहने दो। हिंदी में लिखोगे तो माना लिखोगे, इंग्लिश में लिखोगे तो लेट लिखना, लेट्स, ठीक है। माना 1/x = p तथा 1/y = q, ठीक है। चलो बट इनको स्मॉल में मानो चाहे कैपिटल में मानो, चलो कैपिटल में रहने दो। तो साथियों पहले समीकरण के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, तो 1/x की जगह पर जब p मानोगे तो हमें p/2 मिलेगा, क्या मिलेगा, p/2। और प्लस जब 1/y की जगह पर q मानोगे तो बस वही q/3 मिलेगा, और बराबर जो 2 था वैसे ही रहेगा। तो ये समीकरण नंबर क्या है, अब एक मान लो, वैसे भी पहले एक था, समीकरण 2 से चलो ले चलते हैं, देखो क्या होता है, ध्यान से लिखना। अगर आप बोर्ड की परीक्षा देंगे तो पहले इसको ऐसे लिख डालो पूरा, फिर इधर लिखना दूसरा। अब दूसरे इक्वेशन में आ जाओ, इसमें 1/x की जगह पे मैंने क्या माना है, p माना है। तो सिंपल सी बात है, समीकरण 2 से यहाँ पर चाहे लिख लो, नहीं तो कुछ मत लिखो, रहने दो। इसको लिखने के बाद दूसरा लिखो, इसमें जब मानोगे तो ये p/3 हो जाएगा और प्लस ये q/2 हो जाएगा, बराबर 13/6 हो जाएगा। इतना बात समझ में आई, इसको समीकरण 2 बना लो, क्या हो गया, ये समीकरण नंबर 2। लेकिन अभी ये दोनों समीकरण हल होंगे, और हल होंगे तो थोड़ा आपके लिए और भी इजी बन जाएंगे, उनको भी देखना कैसे होंगे, ध्यान देना। अब इनको आप क्रॉस मल्टीपल करोगे, क्या करोगे, क्रॉस मल्टीपल करोगे, तो देखना क्या होंगे, गौर करना साथियों। अगर इसमें आप ध्यान दो तो दोनों में 6 हो रहा है, दोनों में 6 हो रहा है ना, लेकिन इनका हम हर वगैरह कुछ बराबर करेंगे। नीचे कहाँ तक है, नीचे तो अभी एक लाइन और दिखेगा ना, चलो एक लाइन और दिखेगा। इसको आप कर सकते हो 3p, क्या कर सकते हो, 3p + 2q = देखो ये 3 × 6 हो जाएगा, और 6 का इधर गुणा करोगे 12 हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो बताना, ठीक।
ये आपका एक सामान्य क्वेश्चन बन गया। इसमें करोगे तो ये आपका 2p धन ये 3q और बराबर ध्यान देना, ये 3 × 6 और ये भी तो है ना यार 7/6। इसको क्या करोगे आप, मालूम है आपको क्या करोगे? हाँ, इसको हम एक काम कर सकते हैं, नीचे 6 ऐसे लिख लें, ठीक ना, ये 3 × 6 LCM लोगे और ये 13/6। कुछ समझ में आया? यहाँ से आप 6 से 6 काट सकते हो, तो ये 2p धन 3q बराबर आएगा 13। ये समीकरण दूसरा है। ये दोनों समीकरण आपके अच्छे रूप में आ गए, एक सिंपल रूप में आ गए ना। बस इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करना है। वैसे आप एक काम करो, अगर फाइनल समीकरण इनको बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2p धन 3q माइनस 13 = 0, इसे समीकरण 2 लिखो और ये 12 इधर साइड भेज लो। नीचे दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा तो अभी मैं दिखा दूंगा, परेशान मत होना, ठीक है ना। 12 इधर को भेज लोगे तो ये समीकरण का एक नया रूप बन जाएगा। तो दोनों समीकरण को मैं उधर साइड में लिख के दिखा दे रहा हूँ, इतना कर लेना। यहाँ समीकरण 2 मत लिखना, ठीक ना, और इसमें इसको समीकरण 2 ये एक यहाँ पर मत लिखो, समीकरण 1 मैं बता रहा हूँ क्या बनेगा। जब इधर से 12 इधर साइड लाओगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, 3p धन 2q और माइनस 12 = 0, ये समीकरण 1 बना लो। और ये 2p धन 3q माइनस 13 = 0, ये समीकरण 2 बना लो। बस ये सबसे आसान है। देखिए केवल इसको हल्का सा काटना था, कर लिए ना। पढ़ते समय पहले आप रफ कार्य में किया करो, समझने की कोशिश करो। बस पहला स्टेप हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा स्टेप। हाँ दिख रहा है ना, दोनों समीकरणों को कह रहा आप हल कीजिए। अभी तक तो हम समीकरण बना रहे थे, तो साथियों हल कर लेंगे, हल करने में कौन बड़ी बात है ना। क्या करना है, चलिए इनको विलोपन विधि से कर देते हैं। समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दो, 2 में 3 से, जिससे बराबर हो जाए। तो लिख लो समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। तो चलो कर लो 1 में 2 से, तो 2 × 6p धन 2 × 4q माइनस 12 × 24 = 0। समीकरण 2 में 3 से कर लो, तो 3 × 6 6p धन 3 से हो रहा है ना, तो 3 × 3 = 9q माइनस 13 × 3 = 39 = 0। आप सभी जानते हो विलोपन विधि से हल किए हुए क्वेश्चन ना, बहुत पहले से पढ़ते आए हो। तो क्या होगा, हल कर लो यार, ये चिन्ह बदल जाएगा, कट जाएगा, ये चिन्ह बदलेगा, तो प्लस माइनस, ये माइनस का 5q आएगा और ये देखो चिन्ह बदलेगा तो ये प्लस का 5 और ये 15 आएगा बराबर 0। इस तरह से आपका q बराबर आएगा -15/-5, यानी q बराबर आएगा 3। कितना आएगा, q का मान 3 आएगा। इतना लिख लो जल्दी से, इतना लिख लिया ना, बहुत अच्छे, वेरी गुड, तीनों स्टेप हो गया, तीनों उतार लो इतना। अभी देखो ये उत्तर नहीं आया रियल वाला, अभी रियल वाला आएगा देखना। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ उधर साइड में, मिटा दूँ ना, ठीक है। पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, अब चौथे स्टेप में इधर आना। तो अब जो क्यू का मान आया है, जैसे आप अभी तक करते आए हो सिंपल वाला, वैसे ही आप वो क्यू का मान ले जा कर के जो फाइनल में समीकरण बने थे उसमें से किसी में भी रख दो। तो चलो मैं पहले में रख लेता हूँ, क्यू का मान लिखो चौथे स्टेप में, क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, वो साइड में बना था जो यार ऊपर ना, ये 3p धन 2q 3p धन 2q माइनस 12 = 0। पी का मान क्या रखना है, क्यू का मान रखना 3, तो 3p धन 2 × 3 माइनस 12 = 0। तो ये 3p धन 6
माइनस 12 बराबर जीरो। साथियों इस तरह से जब इसको हल करोगे माइनस घट जाएगा तो 3p माइनस का 6 बराबर जीरो आएगा, इसलिए p बराबर 6 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा बटा 3, तो p बराबर आएगा 2। देखो p का मान 2 आ गया, q का मान 3 आ गया। अब फाइनल आंसर की बारी आ चुकी है, फाइनल आंसर की बारी आ गई है। पांचवा स्टेप इसमें देखना, चलो नहीं लिख पाए हो तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके इसको लिख लेना फिर। चलो ठीक है, फाइनल आंसर देखो। देखिए हमने P और Q के मान कुछ और मान करके रखा था ना, शुरू में लिखा था माना P बराबर, माना Q बराबर, माना था ना। अब लिखो P कामा Q का वास्तविक मान रखने पर, ऐसे लिख दो मान रखने पर, वास्तविक जाने दो कठिन है, मान रखने पर, P और Q का मान रखने पर। तो साथियों P बराबर 2 है ना, हमने P की जगह पर 1/x माना था, तो ये 1/x बराबर 2 हो जाएगा। जब यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो 1/2 आएगा, ठीक। Q का मान रख दो तो जो Q बराबर 3 है, हमने इसकी जगह पर y माना था बराबर 3, तो y बराबर 1/3 आएगा। ये आंसर हो गया फाइनल, ये राइट आंसर हो गया फाइनल, समझ गए ना। पहला स्टेप लगाया था, फिर दूसरा लगाया, फिर तीसरा लगाया, उसके बाद चौथा लगाया था, और ये पांचवा स्टेप में उत्तर आ गया। नोट कर लो जल्दी से। और साथियों आपका क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है PVR स्टडी 3.0 चैनल पर, नहीं सब्सक्राइब किया तो तुरंत कर लेना, क्योंकि ये सारी क्लासें आपको PVR स्टडी 3.0 चैनल पर ही मिलती हैं। जल्दी करो, हो गया तो आगे चलें। ऊपर देखो चैनल का नाम लिखा है एक्सरसाइज के आगे, यही चैनल है, इसी पे सारी क्लास होती हैं। साथियों देखो देखो सेकंड इक्वेशन बहुत आसान है, इसी में का दूसरा पार्ट है, ये कुछ अंडर रूट में है लेकिन बहुत आसान है। 1/√x की जगह पे p मान लेना, 1/√y की जगह पे q मान लेना। तो इस तरह से आपका जो पहला समीकरण बनेगा, p मानोगे तो ये 2p धन 3q बराबर 2 बन जाएगा समीकरण एक। और दूसरा समीकरण आपका बनेगा इससे, वो बनेगा 4p माइनस 9q और बराबर का माइनस एक, ये बनेगा। इसमें से आप 2 को इधर ले आओगे तो ये बन जाएगा 2p और प्लस 3q माइनस का 2 बराबर 0। ये फाइनल में समीकरण एक, इसको लिखना, वैसे इसको भी लिख सकते हो लेकिन इसको इधर पक्षांतर करोगे तो वही बात हो जाएगी, ठीक ना। तो कोई बात नहीं है, आप इसको भी लिखोगे तब भी आगे हल कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ माना जाता है, ठीक ना। तो ये समीकरण आपका हो गया, दूसरा वाला फाइनल करोगे तो ये हो जाएगा 4p माइनस 9q और धन 1 बराबर 0। ये समीकरण दो लिख लो, समीकरण सेकंड हो गया, नीचे दिख रहा है ना, अभी भी तो दिख रहा है ना यार। तो बस इसी को हल कर लेना, समीकरण हल करना जानते हो, विलोपन विधि से कर लेना, चाहे तो प्रतिस्थापन विधि कर लेना, P और Q के मान निकाल के लास्ट में रख देना, आंसर हो गया। और आपको बता दें ये कंप्लीट क्लास आपकी चैनल नंबर 3 पर चलती है, PVR स्टडी 3.0 अगर लिख करके सर्च करोगे यूट्यूब में, PVR स्टडी 3.0, तो आपको सारी क्लासें उपलब्ध होंगी जिसमें आप 10th और 12th की NCERT मैथ का पूरा सलूशन पा सकते हैं इस चैनल पर। ये विशेषकर इसी लिए है, बाकी PVR स्टडी प्रयागराज तो एक सबके लिए चैनल है, वो उस पर हर प्रकार के स्टूडेंट हैं, लेकिन इसमें 10th और 12th वालों के लिए विशेष क्लास। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, जय हिंद। और हाँ चलते चलते, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। अगर आप इस क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो PVR स्टडी प्रयागराज को फेसबुक पर सर्च करें PVR स्टडी, और पेज को लाइक करें जिससे आप वहाँ से भी पढ़ते रहें। शुक्रिया।